मुझे जहाँ तक अभी मैं प्रचार में जा रही हूँ, जनसंपर्क में जा रही हूँ, सभी लोग ने सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे गंदगी की बताई है और पानी की बताई है। बहुत से घर ऐसे हैं जो अंदर है, गलियों के अंदर है, वहाँ तक पाइपलाइन पहुँचती नहीं है, पानी पहुँचता नहीं है प्रॉपर, किसी किसी में सीवर लाइन मिक्स हो जाती है। तो वो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है जो कि बहुत ज़्यादा सुनाई दी है, तो उस पर मैं ज़रूर कार्य करूँगी। एक आप महिला हैं, महिला के नाते आप क्या सोचती हैं? आप यदि परिषद में पहुँचती हैं तो उन चीज़ों को लेके चलेंगे। देखिए, महिला के नाते मैं चाहूँगी कि बहुत सी महिलाएं आगे आएं जो शिक्षित हैं, घरों में काम कर रही हैं, लेकिन उनको जॉब पे नहीं रखा गया है, जो करना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं। मैं उनके लिए कार्य करूँगी कि उन लोग को मैं जॉब दिलवाऊँ, और जहाँ तक गवर्नमेंट में भी जो भी निकलती हैं पदें, उन पे महिलाएं आए उन पदों पे। आपके फादर सबसे ज़्यादा राजनीति सक्रिय रहे हैं, नगर निगम में काफ़ी जी सीनियर रहे हैं, उप नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, आपको उनसे क्या सीखने को मिल रहा है? मुझे मेरे पिताजी से बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से वो निष्पक्ष होके वो सेवा में लगे रहते हैं, अभी कुछ सालों से तो वो पद पे भी नहीं है, उसके बाद भी वो एक फ़ोन पे सभी लोग का काम पूरा करते हैं। वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिली है। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे ही आगे जाऊँगी। आपके वार्ड में कुछ कांग्रेसियों के निराशा कार्यकर्ता भी आपके सामने उतरे हैं, उनसे किस तरीके का आपके वोटर पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुछ जो कांग्रेस निराशा हुई है उनको, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि अभी आप निराशा का टाइम नहीं है, आप एकजुट होके मेरे साथ आइए, प्रचार करिए मेरे साथ, लोगों से मिलिए मेरे साथ, आगे जाके उनको कोई ना कोई पद पे ज़रूर रखा जाएगा, उनका भी ध्यान रखा जाएगा वही जो तो भी बात निराश मुझे हुए। कह रहे हैं कि वो तो बाहर की प्रत्याशी है, वो नई उम्मीदवार है बाहर की, और जैसे ही वो जीत के जाएगी तो वो यहाँ नहीं अपने शहर में दिखाई देगी। देखिए, इस सवाल को तो मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहला रूल जो होता है प्रत्याशियों का व टिकट लेने के लिए, वो यही होता है कि वो उसी वार्ड में रहना ज़रूरी होता है, उनका जो वोटर आईडी है वो उसी वार्ड का होना ज़रूरी है, और उनके जो भी उनके पहचान पत्र हैं, जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सभी ज़रूरी होते हैं कि वो उसी वार्ड के हों। तो मेरे ख्याल से ये सबको जान लेना चाहिए कि अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे यहाँ के नहीं होते तो शायद मैं एलिजिबल भी नहीं होती इस टिकट के लिए। तो लोगों को ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आई हूँ और भोपाल चली जाऊँगी। मैं पिछले 5 साल से तो यहाँ ग्वालियर ही रह रही हूँ, भले मेरी शादी भोपाल हुई थी, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड के साथ 5 साल से तो ग्वालियर में ही हूँ। तो ये लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए जो भी ये फैला रहे हैं। तो थोड़ा उन पे ध्यान ना देके आप देखिए कि जो काम करने वाला इंसान है उसको आगे लाना चाहिए। ये पहचान पत्र तो बहुत दूर की बात है, ये सारे तो शुरुआत है कि पहचान पत्र पहले हमारा दिया जाता है पार्टी में, उसके बाद ही हमें ये टिकट दिया जाता है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगी कि ऐसी अफवाहों पर ना जाएँ, ऐसी अफवाहों से दूर रहें, आप ध्यान रखें कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाएं। जो बीजेपी का वार्ड है, काफ़ी समय से बीजेपी का 57 वार्ड, मान 57 था, सीमांकन के बाद 43 हुआ, काफ़ी जी बीजेपी के हाथ में रहा है ये वार्ड, आप जी इसको किस तरीके से मुक्त करके कांग्रेस के हाथ में दे? देखिए, बीजेपी का रहा है इस वार्ड को, बीजेपी के हाथ में रहा है, इसीलिए मुझे काफ़ी सारी समस्याएं सुनने में आती हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि जो भी पार्षद है वो बस वादे करके चले जाते हैं, आए नहीं हैं, और ये मेन कारण है कि वो बीजेपी के हाथ में था, इसलिए शायद वो समस्याओं का निराकरण कर नहीं पाए अच्छे से, समय दे नहीं पाए लोगों को, उनके बीच जा नहीं पाए, तो उनको आधी समस्या तो पता ही नहीं है। और जो कार्य मेरे पिताजी ने किया इस वार्ड में, तो मैं नहीं समझती कि लोग उनको भूले होंगे। वो आज भी ये कहते हैं कि हमें वो काम करने वाला इंसान ही अभी चाहिए इस वार्ड में जो हमारी सुन सके। तो मैं चाहूँगी कि आप मौका दीजिए, इस वार्ड में हमें आपके सभी के कार्य पूरे होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।